हेलो सर, आप देख रहे हैं एफके गुरु चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ठंडा का मौसम आने वाला है और आप कौन कौन सी फार्मिंग कर सकते हैं जिससे आपको एक अच्छा बेनिफिट हो और कम पैसे में, कम समय में आप एक अच्छा मुनाफा कमा लो दोस्तों, और अपने घर परिवार के साथ में रहकर। तो ये सब आज इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए हम दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी जो हम फार्मिंग करेंगे तो हम ठंडा को देख करेंगे कि ठंडी जो है आपको अभी अगस्त सितंबर चल रहा है, उसके बाद अक्टूबर नवंबर से आपको ठंडी चालू हो जाता है और दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक भी ठंडी रहता है दोस्तों। तो हमको लगभग 4 महीने के लिए आपको ऐसा फार्मिंग करना है कि दोस्तों कि कुछ पैसा हम कमा ले, अच्छा खासा पैसा कमा ले कम पैसा लगाकर। तो क्या कमाना है दोस्तों, कौन सा बिजनेस करना है? सबसे पहले दोस्तों अंडा के लिए देसी मुर्गी फार्म, या फिर आप ब्रॉयलर मुर्गी के कर सकते हैं अंडा के लिए। मैं उसमें क्या, उसका सिस्टम कुछ अलग है, कॉस्ट तो ज्यादा लगेगा। आप एक छोटा किसान है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, देसी मुर्गी आप अभी लाकर पाल लीजिए। अगर अभी आप उसको लाकर पोसते हैं पालते हैं तो हो सकता है नवंबर के बाद से अंडा देना चालू कर हो जाएगा दोस्तों। मगर ये नहीं कि आप जाकर चूजा लेकर आइएगा, आपको कम से कम 2 महीना से लेकर 3 महीने तक का देसी मुर्गी आपको लेकर आना है कि फिर 3 महीना के बाद से वो अंडा देना चालू हो जाए दोस्तों। क्योंकि लगभग 5 महीना के बाद से ही देसी मुर्गी जो है अंडा देना चालू करती है। तो अगर आप छोटे किसान हैं तो लगभग 100 मुर्गी ले लीजिए दोस्तों। उससे ये होगा कि दोस्तों, और लगभग 40-50 उसके साथ में मुर्गा ले लीजिए, उससे ये होगा दोस्तों कि जो आपकी मुर्गी है लगभग 100 में से कम आपको 60-70-80 अंडा आता रहेगा दोस्तों। और आप उसको नवंबर के बाद ठंडी में अच्छा रेट से बेच सकते हैं, 20-25-30। आपके एरिया में मार्केट कैसा उसी हिसाब से 15 से ऊपर जाता है दोस्तों, 15 के नीचे नहीं आएगा। तो आपको ये चीज करना है। उसके बाद दोस्तों आप देसी मुर्गी खाने के लिए देसी मुर्गा पाल सकते हैं। जैसे अभी आप छोटा बच्चा ले लीजिए और उसको 3 महीना के बाद बड़ा करके आप बेच सकते हैं। वो भी लगभग दोस्तों, अगर आप सोनाली लेते हैं या डबल FG लेते हैं तो सबका अलग अलग रेट है। कोकरेल लेते हैं उसका अलग रेट है दोस्तों। तो अभी आप बच्चा को लेकर पोस कर और उसको जब मीट पर्पज से अगर करना चाहते हैं उसको आप बेच सकते हैं नवंबर के बाद से, और एक अच्छा मुनाफा मिल जाएगा दोस्तों। अगर हम सोनाली की बात करें तो सोनाली जो है दोस्तों 280 से लेकर 300 रुपये केजी तक जाता है, 350 तक जाता है। और वहीं बात करें डबल FG या और भी देसी मुर्गी जो है जो सेम समझिए तो आप ब्रॉयलर के जैसा है, वो जो है आपको 180 से लेकर 200 तक जाता है दोस्तों। कोकरेल है दोस्तों 190 से ऊपर जाता है दोस्तों। तो आप एक चीज दिमाग में झुका लिए कि आपको करना क्या है, या तो आप मीट पर्पज से बिजनेस करना चाहते हैं तो बचा ला कर रख लीजिए दोस्तों, जो चूजा होता है उसको ला कर पोस लीजिए, 100-200-300 जो भी आपके पास जो पैसा है आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आप घर पे हैं तो बिजनेस कर रहे हैं तो आपको नहीं करना है, अगर कोई या फिर आप जॉब करें तो नहीं करना। अगर घर पे फ्री बैठे हुए हैं कोई काम नहीं है तो आप एक घर पे किसानी करते हैं तो ये काम चालू कर सकते हैं। अगर आप बच्चा लीजिएगा तो लगभग 30-35 के अंदर आपको बच्चा मिल जाएगा, जो है कोई भी डबल FG हो या ब्रॉयलर में कोई भी हो या कोकरेल हो या कोई भी है मुर्गी जो है दोस्तों, 30-35 रुपये का उसका बच्चा चूजा जो आता है दोस्तों, उसका जो दवा हुआ है कुछ आप जानकारी ले लीजिए, आप पाल पोस के उसको आप बेच सकते हैं। जितना भी आपका पैसा है, आप घर में कहीं जगह है होगा घर पे, वहां पे आप उसको पाल पोस कर आप बेच सकते हैं। उसके बाद बात करो कम जगह में आप चाहिए तो बटेर पालन भी कर सकते हैं। और बटेर पालन जो दोस्तों 40-45 दिन में आप उसका अंडा 45 दिन के बाद अंडा लेना चालू कर सकते हैं। उसका भी अंडा दोस्तों 5 रुपये जाता है। अगर आप अंडा पर्पज से नहीं उसको रखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए दोस्तों, ये बच्चा उसका लेकर लाकर और आप उसका चूजा लाकर आप उसको पालिए और 34-40 दिन के अंदर आप उसको बेचिए, उसमें भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट है। कम जगह में कम पैसा में आप वो बिजनेस चालू कर सकते हैं। तो ये चीज दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आप ये बिजनेस अभी जो है ठंडी में चलने वाली बिजनेस है और कम पैसा में आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं कि अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आप जरूर देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ पे जो है, आप जैसे बटेर पालन नया आप फार्मर है कुछ आपको मालूम नहीं है तो आपको क्या करना है कि आपका बच्चा भी नहीं मरे और आप पैसा अच्छा खासा कमा ले। उसके लिए दोस्तों हम आपको एड्रेस देंगे कहाँ आपको ब्रूडिंग करा के, यानी कि
10 दिन 15 दिन वो लोग पाल कर देगा, बहुत कम पैसे में वो लोग अपने जगह पर रखेगा बच्चे, जैसे बच्चा हम लेकर आए और वो पाल कर 10 दिन 15 दिन उसके बाद आपको हम देंगे बहुत ही कम पैसा में। तो आप जरूर हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा दोस्तों, और खासकर ब्रॉयलर मुर्गी पर भी हम दिखाएंगे आपको, तो इसका वीडियो एकदम जल्द आने वाला है। आज ये वीडियो अपलोड होगा, कल या परसों तक वो वीडियो आ जाएगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि आपको कम पैसा में पाल पोस कर 10-12 दिन और आपको दे दिया जाएगा दोस्तों। क्योंकि जो बटेर होता है ओनली 35 दिन 40 दिन का एज होता है, मान लीजिए मीट पर्पज से बेच रहे हैं तो उसमें आपको 12 दिन वो लोग पाल कर देगा, बाकी दिन आपको पालना है कम पैसे में, तो कहाँ आपको ये मिलेगा कल हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप जरूर वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर नए फार्मर हैं तो आपको कोई भी दिक्कत ना, कोई प्रॉब्लम ना है, इसके लिए वो जो किसान है कर रहे हैं कि आपको कोई नॉलेज नहीं, कोई जानकारी नहीं है, फिर भी आप कुछ इन्वेस्ट करके आप भी पैसा कमाइए, फिर जब आपको नॉलेज हो जाएगा तो फिर आप उसको अलग सिरे से खुद अब बच्चा लाकर पाल पोस सकते हैं, और आपको वो ट्रेनिंग भी देंगे। अगर आप उनसे बच्चा लेते हैं तो आपको ट्रेनिंग भी देंगे, और जब भी दिक्कत होगा फोन से आपसे वो बात करके समस्या को सुलझाएंगे दोस्तों। तो आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, खास करके नए फार्मर के लिए जो अभी तक मुर्गी फार्म या फिर बटेर फार्म या कुछ भी फार्म नहीं किए थे, उनके लिए सबसे बेस्ट वो वीडियो होने वाला है। और वो आपको एड्रेस भी दे देंगे दोस्तों, और उनका नंबर भी दे देंगे, और उनका फार्म कहाँ पे भी हम आपको पूरा डिटेल बता देंगे दोस्तों। आप उनसे बात करके आप बच्चा जो है थोड़ा बड़ा करके आप ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, और एक चीज मैं आप बता दूं दोस्तों कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे जैसे आप देख रहे हैं वीडियो, पर बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, व्यू आ रहा है, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, कि एक लाइक से हमारा जो भी मोटिवेट काम करने का मन करता है कि हमको जो हमारे लोग है देख रहे हो और उनको हमारा वीडियो पसंद पड़ रहा है दोस्तों, तो आप जो जरूर है। और एक चीज और है दोस्तों कि आपको ये समझना है कि बिजनेस में कैसे उतरना है, नए फार्मर है, गरीब है, ये मत देखिए हम गरीब हैं, आपके पास 5,000 10,000 15,000 आप लगाइए, स्लो स्लो आइए, खेती भी कीजिए साथ साथ में ये भी कीजिए दोस्तों। हर आदमी के पास गाय होगा, भैंस होगा, उसको रखने का तो जगह होगा, उसी जगह में आप ओसा ही प्राणी का पूछ का प्लास्टिक का बनाकर आप ये मुर्गी पालन जो है बटेर पालन ये कर सकते हैं। बस आपको ये होना चाहिए कि हमको करना है, जुनून होना चाहिए, ये नहीं कि मर जाएगा जी जाएगा, अरे मर जाएगा तो 10 का 10,000 लॉस हो जाएगा और क्या जाएगा, मगर ऐसा होगा नहीं कभी, क्योंकि अगर बाय चांस नहीं हो पाता मरता है तो आप उसको उसी टाइम सेल कर सकते हैं, बहुत से फार्मरों से भी आप कनेक्शन लेके उन लोगों को फिर रिटर्न दे सकते हैं दोस्तों, ऐसा भी है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप थोड़ा ज्यादा बोर हो गए होंगे, मगर जो मैं बात बताया परफेक्ट बताया, और ये खास करके नए फार्मर के लिए बताया, क्योंकि पुराना फार्मर की वीडियो को नहीं समझेंगे, इस बात को नहीं समझेंगे, और नए फार्मर जो है जरूर समझेंगे, इसको कुछ भी नॉलेज नहीं है मुर्गी बटेर में।